ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो SCNG VXI वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ये SCNG आपके नियरेस्ट शोरूम्स में आ गया। अगर आप ये कार लेने के बारे में सोच रहे थे, आप लोग काफ़ी समय से पूछ रहे थे, तो अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी आउटलेट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं, इसकी आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। अगर आप ये वेरिएंट लेना चाहते थे, SCNG लेना चाहते थे, इस वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, सारे फीचर्स जानने को मिल जाएंगे जो भी आपको ज़रूरत होती है गाड़ी को लेकर, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप लेटेस्ट लॉन्चेस देखना चाहते हैं मारुति के, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन जरूर विजिट करिएगा, मारुति की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लेटेस्ट मॉडल सारे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, इसके और भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फील आता है, स्ट्रॉन्ग फील आता है अगर आप इसके फ्रंट की बात करते हैं। चलते हैं पास में और थोड़ा सा मैं बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सामने आ जाता हूँ कंप्लीट इसके एक अच्छे से प्रीव्यू के लिए। चलेंगे इधर पहले पास में, और इधर आपका जो क्लोज़ व्यू है वो पूरा मैं आपको दे देता हूँ, पूरा क्लोज़ व्यू का आपको आइडिया लग जाएगा। देख लीजिए, पूरा मूव कर देता हूँ कैमरा में अदर साइड तक, को ड्राइवर साइड तक। इधर अपने आप हेडलैम्प्स देखते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल हेडलैम्प्स दिए गए हैं, पूरी फ्लैट फील पे आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीचे कोई आपको फॉग लैंप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा, ना तो कोई LED इंसर्ट वगैरह दिया गया है। आप चाहते हो तो आप अलग से लगवा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ग्रिल बहुत ही स्लीक सी दी जाती है, पूरी आपको ये डिज़ाइंड ग्रिल देखने को मिलती है, सुजुकी की ब्रॉड सी ब्रांडिंग आप इधर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड प्रोफाइल है फ्रंट की, मैं फिर से ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ, पूरा बोल्ड आपको फील आएगा। ये SCNG वेरिएंट है एस्प्रेसो का, फ्रंट प्रोफाइल आपको पूरा अच्छे से दिख गया होगा। अब इसकी जो की है वो आपको दिखा देते हैं, तो एक की में आपको रिमोट अवेलेबल है और एक की में आपको नॉर्मल की प्रोवाइड करी गई है, ये आपकी लॉक अनलॉक बटन हो गई। फ्रंट कवर हो गया है, अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो पूरा आपको चेक कराएंगे, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अच्छे से पूरा गाड़ी आपको इधर दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट प्रीव्यू आप ले लीजिए इसके साइड प्रोफाइल का। चलते हैं पास में, और इधर आपका जो MRF के ZVTV टायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको कवर्स प्रोवाइड करे गए हैं, नॉर्मल व्हील्स आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपने आप अंडरस्कर्ट्स भी चेक कर सकते हो, थोड़े से पैटर्न्स आपको इधर देखने को मिलते हैं। कैमरा मैं नीचे कर देता हूँ एक अच्छे से कंप्लीट व्यू के लिए। इंडिकेटर्स आपको साइड बॉडी में इंडिकेटेड मिलते हैं, ORVM में नहीं मिलते हैं, पूरे ये ब्लैक एंड फिनिश पे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ओवल शेप ORVMs प्रोवाइड करे गए हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, और इसका जो डोर हैंडल है वो चेक करा देते हैं, ये आपको ब्लैक फिनिश पे देखने को मिल रहा है। डोर लाइन विंडो लाइन में कहीं कोई आपको इसमें इंसर्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, आप अलग से चाहते हो तो लगवा सकते हो, जैसे लोग जनरली क्रोम बीडिंग्स वगैरह लगवा लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इधर आप देख रहे हैं अपना जो फ्यूल इनटेक एरिया है, चेकआउट कर लीजिए। अब इसकी जो रूफ़ है वो आपको दिखा देते हैं, अपनी जो रूफ़ है वो आप देख लीजिए, पैटर्न्स आपको इधर भी देखने को मिलते हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, और इसका जो अब बैक प्रोफाइल है वो पूरा आपको कम्प्लीटली चेक कराएंगे, जो बैक प्रीव्यू है वो पूरा आपको देंगे, देख लीजिए आराम से अच्छे से। इधर पूरा आप देखते हैं अपना जो हाई स्टॉप लैम्प है, आपको इसमें डिफॉगर और आपका जो रियर वाइपर है वो आपको नहीं मिलता है। अपने जो टेल लैम्प्स हैं वो आप चेक कर लीजिए, पूरे फ्लैट फील पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे इसका हेड लैम्प है वैसे ही कुछ लगभग स्ट्रक्चर आपको इधर देखने को मिलता है, तो डिज़ाइन है कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा आपको एक प्रीव्यू मिलेगा। एस्प्रेसो की ब्रांडिंग, सुजुकी की ब्रांडिंग सब कुछ क्रोम पे अवेलेबल है, मॉडल की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती है, तो आप अपने व्यूज़ इसके बारे में बता सकते हो। अब इसका टेलगेट खोलने के पहले अपने जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आप देख लीजिए, साथ में जो आपका ड्राइवर साइड है वो भी आप इधर चेक कर सकते हो, जहाँ कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा पूरी गाड़ी आपको अच्छे से कम्प्लीटली दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं और इसका जो टेलगेट है वो ओपन कर लेते हैं, और जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। इधर आप देखते हैं आपका CNG का जो टैंक है, तो स्पेस तो अब ख़त्म हो जाती है, अब आपको अगर बूट स्पेस चाहिए तो आपको नॉर्मल गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको CNG चाहिए तो आपको ये स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये आपका टैंक हो गया, CNG टैंक हो गया, इसको बंद कर देते हैं, की निकाल लेते हैं, और बाहर से काफ़ी बात हो गई है। अब चलेंगे गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको चेक कराएंगे, स्पेसेस है वो आपको दिखाएंगे, जो इंटीरियर है वो आपको चेक कराएंगे।
इधर पूरा अपना आप जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप देख सकते हो। लगभग आपको पूरी इधर फ्लैट एंड फील देखने को मिलेगी। ब्लैक एंड फिनिश पे ही पूरा जो इसका डैशबोर्ड है वो प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई ऐसा टच इधर देखने को नहीं मिल रहा, बस आप देख सकते हो सिंपल आपको ब्लैक के ही दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। हल्का सा बोल सकते ग्रे फिनिश पे देखने को मिल जाएगा। जो भी थॉट्स इसके बारे में आ रहे हो वो ज़रूर अपने आप बता देना नीचे कमेंट्स में। इसके बाद आपका सीट एडजस्टमेंट्स केवल आपको मिलती हैं आपकी बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट नहीं दिया गया है। आपके जो हेडरेस्ट है ये आपको देख सकते हो आप इनबिल्ट मिलते हैं सीट्स में, ये आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। अब इधर आप देख सकते हैं अपना डोर, तो यहाँ पे आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, कोई भी आपको विंडो ऑपरेटर नहीं मिलता है। अभी सेंटर में चेक कर लेंगे, शायद सेंटर में दिया गया हो। इधर आपका जो पूरा स्पीकर आउट है वो आप चेक कर सकते हो। कंप्लीट व्यू ले लीजिए अपने डोर का, अपनी एंट्रेंसेस का। इसमें वैसे भी एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सी दी जाती है, ओपनिंग काफ़ी वाइड दी जाती है और वो शायद आप इधर फील कर भी पा रहे होगे। इसके बाद दोस्तों अब लगभग जो चीज़ें बाहर से बताने वाली थी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं और अब आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो बताने हैं। साथ में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। वैसे तो अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, हमेशा मैं आपसे बात बोलता हूं, क्योंकि मैं सारी उसी मॉडल की जो फीचर्स स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो साथ में इनकॉर्पोरेट कर देता हूं वीडियो में, जिसमें कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। अब चलते हैं अंदर, बाहर से काफ़ी बात हो गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अंदर चलते हैं, अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करेंगे। लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI CNG SCNG के अंदर आ गया हूँ। अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर पूरा अपना आप जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से पूरा अपने आप डैशबोर्ड का आइडिया ले सकते हो, प्रीव्यू ले सकते हो। बाहर से मैंने आपसे बोला था ना भी कि पूरा फ्लैट फील आपको आएगा और वो आपको इधर देखने को मिल भी रहा है। अंदर की जो डिज़ाइन है काफ़ी लोगों को पसंद आई थी जब पहली बार वीडियो डाला था, तो आप में से जो लोगों ने नहीं देखा हुआ था अब तक तो वो भी अपने आप व्यूज़ बता सकते हो, जैसे मैंने आपसे बाहर बोला था। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा सा आपको स्लोपिंग वे में आपका अपर पार्ट दिया गया है। इधर आपको मिलती है थोड़ी सी रगेड फिनिश, जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना। डिज़ाइन के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है, जैसे लगभग वो तो हर गाड़ी में ही होता है। मैं आपसे ये बात शेयर भी करता हूँ और डोम के बारे में जो भी आपके थॉट्स हो वो आप बता देना कि आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी कि नहीं लगी। और इधर आपके AC वेंट्स भी काफ़ी हाइटेड हैं, तो आपको एयर काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, आराम से आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर आप देखते हैं तो आपका सेंटर कंसोल गायब हो चुका है, वो वाकई अब सॉरी जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो गायब हो चुका है यहाँ से, वो आपको सेंटर में मिलता है। तो अभी जब सेंटर में चलेंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल आप पूरी जो फिनिश है वो आप देख लो। अब आपको जो टॉगल्स हैं वो मैं चेक करा देता हूँ। तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। AC वेंट्स आप देख रहे हैं, आपको ये राउंडेड शेप में दिए गए हैं। साथ में ये आपका फ्यूल सिलेक्टर हो गया। इधर आपको मिलती है स्पेसेस, आप देख सकते हो जो कन्वीनियंस स्पेसेस हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। पीछे आ जाते हैं तो इधर आपकी जो स्टेयरिंग है सिंगल कॉम्बिनेशन स्टेयरिंग प्रोवाइड करी गई है। सुजुकी की ब्रांडिंग देख सकते हो आप। सिंगल एयरबैग आपको इसमें मिलेगा, अगर आपको डुअल एयरबैग चाहिए तो आप टॉप एंड में जा सकते हो। स्टेयरिंग पकड़ने में काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने आपसे पहले वाले भी बोला था। वैसे भी जनरली मारुति की गाड़ियों में स्टेयरिंग काफ़ी आरामदायक रहती है और वो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये मैं इसकी टच की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो फील हो रहा है अभी। बाकी जो लोग भी चला रहे हैं रियल लाइफ जो ओनर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी स्टेयरिंग कैसी लगती है। ये आपका की इंसर्ट पॉइंट हो गया, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें नहीं मिलती है। ड्राइवर साइड की अच्छे से बात हो गई है। अब चलते हैं जो इसका सेंटर कंसोल है वो पूरा आपको चेक करा देते हैं, सेंटर कंसोल का पूरा आपको आइडिया दे देते हैं। इधर आप देखते हो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये चीज़ आप देखते हैं तो आपने क्विड में भी देखी हुई थी। मैंने पहली बार भी जब गाड़ी रिव्यू करी थी तो आपसे बोला था ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत यूथ सेंट्रिक लगती है, एक बोल सकते हैं अपील देती है गाड़ी के इंटीरियर को। इसके अलावा आपको जो DIS है वो भी मिलता है, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर पाओगे, जैसे फ्यूल है आपका दोनों फ्यूल दिखा देगा, आपकी जो टाइम है वो दिखा देगा, डिस्टेंस ट्रैवल दिखा देगा, बाकी नॉर्मल सिग्नलिंग हो गई, व्यूइंग काफ़ी आरामदायक। लेकिन डोम के बारे में जो भी थॉट हैं, डिज़ाइन के बारे में जो भी थॉट हैं वो आपको शेयर करने हैं। नीचे आ जाते हैं तो ये आपका है मीडिया सिस्टम जो कि नॉर्मल दिया गया है। इसका जो लाइट है ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऊपर से मैचिंग हो जाती है। लो फ्यूल की वार्निंग आपको इधर भी देगा और जो भी इसमें चीज़ें चल रही हैं वो आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ USB रॉक्स दोनों प्रोवाइड करेगा, तो USB में भी म्यूज़िक है तो कनेक्ट करके प्ले कर लो, और मोबाइल में कोई म्यूज़िक है तो कनेक्ट करके प्ले कर पाओगे। दो रोटरी नॉब दी गई हैं आपकी और बटन कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि टच इसमें आपको मिलना नहीं है। और नीचे आ जाते हैं तो आपके हजार लाइट की बटन है, ये आपका पावर विंडो कंट्रोल हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि डोर पे कुछ भी नहीं दिया गया है और सेंटर में भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है, तो पोजीशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। नीचे आ जाते हैं तो आपका AC कंट्रोल एरिया, आपको ये ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं मिलता है, मैनुअल AC प्रोवाइड करा गया है।
12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, ये आप देख सकते हैं। ऑन द गो अपने गैजेट चार्ज करने के लिए इधर आपके हो गए कन्वीनियंस स्पेसेस, दो आपके कप होल्डर्स, और इधर आपका जो गियर बॉक्स है ये है 5-speed गियर बॉक्स मॉडल विथ रिवर्स। यहाँ पे इसकी जो रीच है वो आप देख लो, सीट काफ़ी पीछे है, 6 feet मेरी हाइट है, तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो। इधर भी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं, साथ में आपका जो हैंड ब्रेक है दिया गया आपको ब्लैक एंड बटन के साथ, इसमें कोई आपको क्रोम वगैरह इंसर्टेड नहीं मिलता है। सीट में फ्रंट में कुशनिंग में चेक करा देता हूं आपको, बाकी पीछे वाले भी आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। सेंटर भी है पूरा कवर हो गया, जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है वो भी कवर हो गया है। अब इधर आप देखते हैं तो आपको मिलती है ओपन स्पेसेस, नीचे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, इधर बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, नॉर्मल स्पेस बोल सकते हैं अवेलेबल है, गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से तो ठीक ठाक है, बाकी जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। इसको बंद कर देते हैं और इधर भी आपको रगेड फिनिश प्रोवाइड करी गई है। ऊपर देखते हैं तो कोई आपको वैंटी मिरर नहीं मिलता है, इधर भी आपको कोई वैंटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेंटर में आपको पूरा जो केबिन लैंप है वो आप देख सकते हो, इसका जो साइज़ है वो ठीक लग रहा है मुझे, रोशनी आपको अच्छी मिलनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड पूरा कवर हो गया, फ्रंट टू सीट्स के बारे में बात हो गई है, जो भी रिलेटेड स्पेक्स होंगे, फीचर्स होंगे, साइड्स में शॉट्स में आपको दिख गए होंगे। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर बात करेंगे आपसे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ और पीछे बैठकर आपसे बात करते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एस्प्रेसो VXI CNG वेरिएंट की सेकंड रो ऑफ सीट, हेडरेस्ट आपके इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट्स में। पहले मैं पीछे आना चाहूँगा, अपनी एंट्रेंसेज आप चेक कर लो आराम से। इसके बाद आपका जो डोर है कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं, कोई स्पीकर आउट नहीं मिलता है, मैनुअल पावर विंडो दिया गया है, मैनुअल विंडो ऑपरेटर दिया गया, मैं पावर विंडो बोल गया साथ में, मैनुअल आपको अपना विंडो है जो ऑपरेट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आगे वाले के लिए आपको कंट्रोलिंग अंदर से मिल जाती है, पावर विंडो मिल जाती है। चेक करते हैं आपके आर्मरेस्ट के लिए, तो आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिंपल प्लेन सीटिंग आपको इधर मिलती है। इसके अलावा चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से काफ़ी आपसे बात हो गई, यहाँ पे आप स्पेस देख लो, अब आगे की स्पेस चेक कर लो। अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग चैनल से जुड़े हैं उनको पता है 6 feet मेरी हाइट है, और बैक सपोर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, और थाई सपोर्ट आप इधर चेक कर सकते हो। हाइट मैंने आपको अपनी बता दी है, 6 feet है, अब यहाँ पर आप खुद जजमेंट ले सकते हैं, सीट अभी इतनी इतनी पीछे और हो सकती है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन है तो वैसे भी आपको पीछे बैठने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद पीछे आपको कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं दिए गए हैं, कोई चार्जिंग सॉकेट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इधर आपको कन्वीनियंस स्पेसेस ज़रूर प्रोवाइड कर दी गई हैं, ये आपकी सीट बेल्ट हो गई, ये आप देख सकते हो, और आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं तीनों डोर्स पर प्रोवाइड करें, ड्राइवर साइड की कभी ज़रूरत नहीं होती है। अब चलते हैं सेंटर में आ जाते हैं और आपको जो डैशबोर्ड है वो पूरा चेक करा देते हैं। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूं तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूं किसी भी गाड़ी का, पीछे से बहुत अच्छा सा एक व्यू आता है। तो अब आपको बताना है कि आपको इस मॉडल में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, CNG के लिए आप वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आपकी विश फुलफिल हुई कि नहीं हुई, क्या कमी लगी, वो सारी चीज़ें आपको नीचे कमेंट्स में बतानी है। साथ में जो भी अभी टाइम चल रहे हैं तो आप घर बैठकर भी गाड़ी बुक कर सकते हो मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, घर बैठकर आप गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हो करंट टाइम्स को देखते हुए। अब दोस्तों मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं, अपना सपोर्ट बना के रखिए, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।